अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, ये आपने स्टूडेंट्स को ये भी बता दें कि जो आप मार्केट प्लेसेस पे काम करें, जैसे रेस्टेंगो है, कारीफोर है, इसके अलावा बाकी मार्केट प्लेसेस पे जैसे आप काम कर रहे हैं, तो वो भी स्टूडेंट्स को बता दें कि आप कैसे काम करें और वहाँ से हम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो सिंपल, मैं बिल्कुल इसको बताता हूँ। ओके दैट्स फाइन। ये चले एनी हाउ, वैसे तो ये जो काम है ना, ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हमारे पास डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। जी हमारा सर, प्रॉब्लम ये है कि हम एक चीज़ को जिसको जिसके पीछे पड़ जाते हैं ना, वो उसी के पीछे ही हम लगे रहते हैं। अब इसका चले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको यूएस से स्टार्ट कर लेते हैं। आपने कारीफोर का नाम लिया, आपने लेस्टेंगो का नाम लिया, हम इधर से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं इसके ऊपर काम क्यों कर रहा हूँ। मैं जी सर, इसके ऊपर इसलिए काम कर रहा हूँ कि ऑलरेडी जो है वो हम वर्किंग कर रहे हैं, अमेजोन के ऊपर भी हम वर्किंग कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम नून के ऊपर भी वर्किंग कर रहे जी हैं, सर, और ये तीनों कंट्रीज के अंदर हम कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे ये अवेलेबल है। अब अमेजोन पे भी कर रहे हैं और हम नून पे भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अब किसी से आप जाके ये पूछे हैं कि भाई और कोई मार्केट प्लेसेस हैं कि जहाँ पे हम जाके काम करते हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि भाई सिर्फ ये दो नहीं है, और भी मार्केट प्लेसेस हैं कि जहाँ पे हम जाके काम कर सकते हैं उसको हम। बल्कि आपने अच्छा किया क्वेश्चन करके, इसको स्टेप बाय स्टेप ना हम एक सीरीज की सूरत में हम लेके आ जाते हैं, ताकि जो लोग प्रोफेशनल लेवल पे ये काम कर रहे हैं उनको इसमें से भी बेनिफिट हो जाए। ये वो मार्केट प्लेसेस हैं। लेट्स टेंगो है, लेट्स टेंगो आपको पता है कि अमेजोन से भी पहले का आया हुआ है। उसके बाद एक यूएई के अंदर अवोक था, तो अवोक जो था तो वो आई थिंक 2014 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और वो अवोक उस वक्त मतलब कि अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सके, इसलिए कि वो जब कोविड स्टार्ट हुआ उस वक्त तक उनके ऑपरेशन बिल्कुल थे वहाँ पे। उसके बाद उनके ऑपरेशन, वो इतना उनके पास ऑर्डर्स आए और इतना उनका ऑपरेशन जो है ना, वो ऑपरेशन लेवल पे ना वो फेलियर हो गया उनका। एनी हाउ, तो उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैं उसके ऊपर काम क्यों कर रहा हूँ। मैं उसके ऊपर काम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अगर ये सोचूँ कि भाई अमेजोन से अगर मैं 20,000 ले रहा हूँ, 20,000 मैं नून से ले रहा हूँ, और विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट अगर 5,000 या 4,000 या 3,000 मैं कारीफोर से ले रहा हूँ, 2,000 मैं लेस्टेंगो से ले रहा हूँ, इसी तरीके से जो और टॉप 5 मार्केट प्लेसेस हैं, यस अगर सर, वहाँ से मैं और पैसे ले रहा हूँ, तो इसमें हर्ज क्या है? मैं अपनी इसमें शेयर तो इंक्रीज खैर, कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो यही बेसिक कंसेप्ट है आपके ऑनलाइन बिजनेस का, कि आपका एक तो हो गया आपका ऑफलाइन बिजनेस। ऑफलाइन बिजनेस के अंदर आप ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि भाई एक शॉप मैंने यहाँ पे ओपन की है, अगर दूसरी शॉप जो है वो मैं उस जगह ओपन करता हूँ, तो डेफिनेटली मेरे जो ऑपरेशनल कास्ट है, जो फिक्स एक्सपेंसेस है, वो मेरे इंक्रीज कर जाएंगे। मुझे शॉप देनी पड़ेगी, स्टाफ रखना पड़ेगा, सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी जगह खोलूंगा तो अगेन मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा फायदा ये है कि इसके अंदर जो है वो आपको जो आपकी सेटअप कास्ट है वो आपको पे नहीं करनी पड़ती, आपके सही जो है। फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो आपको पे नहीं करने पड़ते। ये तो हो गया इसका एक बेनिफिट। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको और बाकी स्टूडेंट्स को ये समझाऊँ कि बाकी मार्केट प्लेस के ऊपर काम करना क्यों ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक काम करना होता है, वो आपको ये काम करना होता है, उसको एफर्ट कह लें, उसको आप काम कह लें, उसको जो मर्जी कह लें, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां जाके अपना अकाउंट ओपन करना है, सेम लाइक अदर मार्केट प्लेसेस। अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं, अगर आप नून पे काम कर रहे हैं, आपने वहां पे स्टोर ओपन करना है, राइट। जी इसी सर, तरीके से आप कारीफोर के एग्जाम्पल ले लें। अब कारीफोर.com जो लोग KSA में और UAE में रहते हैं, उनके जहन में शायद ये है कि ये ऑफलाइन बिजनेस है और इनके बड़े बड़े स्टोर्स हैं। सबसे बड़ी स्टोर है वहाँ के लुलू और ये कारीफोर, सबसे बड़े हमारे पास रिटेल चेन है उनकी इनकी वहाँ पे। तो ये सिर्फ यही काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारीफोर जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस भी है, कुछ लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो जहन में रख लें और आई एडवाइज के वहाँ पे स्टोर ओपन करें। अच्छा, कारीफोर हो गया। अब यहाँ पे जो है मेरा स्टॉक जो मैं बनवाता हूँ या जो मैं सोर्स करता हूँ, उसने एक ही जगह पे पड़ा है, जी राइट। सर, वो एक ही वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। नून अमेजोन के लिए जो स्टाफ मैंने रखा हुआ है वो एक ही ऑफिस में बैठा हुआ है, वो सारा कुछ कर रहे हैं, वो लिस्टिंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। आया माई क्वेश्चन इज के वेदर दे आर द वन हु नीड टू गो आउटसाइड टू डिलीवर दिस आइटम। आंसर इज नो। उनको इधर बैठे बैठे इनको ऑर्डर करना है, और उसके बाद वो बोले अमेजोन है, नून है, कारीफोर है, डस्टेंगो है, जैस्प है, ओवरशॉपी है, मैं किस किस के नाम लूँ, ठीक है, रिबेट टेस्ट है, ट्रेड लिंक है, इनके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो सबके ड्राइवर आते हैं, आप आके आपसे ले के चले जाते हैं। अब इसमें आप मुझे बताएं कि मेरी एक्स्ट्रा कास्ट क्या आई है?
बल्कि मैं तो जो है वो इनफैक्ट जो स्टाफ है वो उससे एक हमारे पास कंसेप्ट यूज होता है द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज के भी जो स्टाफ वहाँ पे बैठा हुआ है जो उनकी आउटपुट है वो मैं उनसे मैक्सिमम लेने की कोशिश करता हूँ. सो द सिंपल इज दैट के कारीफोर के ऊपर अकाउंट ओपन है. उसके बाद मैं उन लोगों को भी एडवाइस करूँगा कि जो ये बिजनेस कर रहे हैं कि जस्ट डोंट थिंक अबाउट अमेजोन एंड नून. अमेजोन आप नून पे बिजनेस करें उसमें कोई डाउट नहीं है कि जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं आपको चंक ऑफ द बिजनेस जो है वो यहाँ से आता है. बट मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती जैसे मैंने पहले बताया कि भाई अगर आप 20,000 पर मंथ की सेल 30,000 की 50,000 की जितनी भी है आपकी स्टोर कैपेसिटी है वहाँ से जनरेट कर रहे हैं और अगर आपको 20% डिफरेंट मार्केट प्लेसेस से मिल रहा है तो उसमें हर्ज क्या है. सो द सिंपल इज दैट कि आप कारीफोर पर जाएँ आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं. उसके बाद letstango.com है बहुत अच्छा है टॉप 5 के अंदर आते हैं. letstango.com के ऊपर जाएं आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं. उसके बाद सेम उनकी रिक्वायरमेंट है कोई जो है वो नून का आपने अगर ऑलरेडी लाइसेंस बनवाया हुआ है उसके लिए लाइसेंस बनवाया हुआ वही लाइसेंस आप यही यूज़ करें. ईच एंड एवरी थिंग यू कैन यूज द सेम. आपका ई मेल आई डी है आपका फोन नंबर है आपका ट्रेड लाइसेंस है बैंक अकाउंट है. इस डजंट मीन कि अगर आप 10 डिफरेंट किस्म की मार्केट प्लेसेस के ऊपर अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको 10 किस्म के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है. नहीं एक ही आप लाइसेंस 10 मार्केट प्लेसेस के ऊपर यूज करेंगे एक ही बिजनेस अकाउंट आप बैंक अकाउंट आप 10 मार्केट प्लेसेस के ऊपर आप यूज करेंगे. सो उसके लिए टॉप 5 जो है वो मैं आपको बता देता हूँ. आपका अमेजोन हो गया नून हो गया उसके बाद आप carrefour.com पर जाएं उसमें सैलरी अकाउंट ओपन करें. ठीक वहाँ जाके आप अपनी लिस्टिंग करें. लिस्टिंग उन चीज़ों की करें जो आपकी बेस्ट सेलिंग लाइंस हैं. उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है ओनली लिस्टिंग. सेकंड थिंग इज दैट कि जब कारीफोर का ऑर्डर आएगा आपका स्टाफ उसको एक्सेप्ट करेगा उसको कारीफोर के बैग में डालेगा उनका ड्राइवर आएगा और वो उसके हैंड ओवर कर देगा. ओके नंबर थर्ड जो है वो letstango.com पर आप अपनी लिस्टिंग करें. ओके नंबर फोर्थ आप overshopee.com पर अपनी लिस्टिंग करें. अगर आपने होलसेल के अंदर काम करना है चले उसकी मैं आपको मार्केट बता देता हूँ कि जिस तरीके से अलीबाबा काम कर रहा है. अलीबाबा ऑफकोर्स ट्रेड लिंग उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता मगर एक चैनल आपके पास अवेलेबल है लिस्टिंग करने में तो कोई इशू नहीं है आपको. द सिंपल इज दैट कि आप जो है वो ट्रेड लिंक TRADELING आप उसके ऊपर जाएंगे उसके ऊपर जाके जो है वो आप इजीली आप अपना अकाउंट जो है उसके ऊपर क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप अपनी लिस्टिंग जो है वो आप वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे. रिबेटस है रिबेटस लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ रिबेटस भी है वहाँ पर लिस्टिंग कर सकते हैं वो सेलर को भी रिबेट देते हैं. ठीक है दिस इज समथिंग न्यू कि बाकी कोई भी मार्केट प्लेस सेलर को रिबेट नहीं दे रही होती वो बायर को दे रही होती है रिबेट सेलर को भी देते हैं. सो ये मैं यहाँ बैठ के मुझसे के अकाउंट चेक कर रहा हूँ कि उनमें क्या प्लस माइनस है ताकि जो है वो उसके मुताबिक आप अपना एक्शन प्लान आप बनाएं कि किसकी सेल ज़्यादा हो रही है किसकी सेल कम हो रही है. सो दीज आर द मार्केट प्लेसेस विच आई सजेस्ट इवन ऑल ऑफ दीज गाइज आल्सो हु इज वॉचिंग मी अगर आप इन कंट्रीज के अंदर हैं किसी भी कंट्री के अंदर हैं आई ऑलवेज सजेस्ट आपके पास एक प्रॉपर सेटअप है. आप स्टॉक लेते हैं उसको बेचते हैं मैं ड्रॉप शिपिंग की बात नहीं कर रहा. आप ये कर रहे हैं आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और आपके पास आपने कुछ स्टाफ भी रखा हुआ है स्टॉक रखने के लिए आपने जगह भी रखी हुई है. आई ऑलवेज सजेस्ट कि उस स्पेसिफिक कंट्रीज की अगर आप टॉप 5 मार्केट्स के अंदर काम नहीं कर रहे तो एटलीस्ट टॉप 3 मार्केट प्लेसेस के अंदर आप उसमें काम जरूर करें. दैट्स द रीजन आई एम डूइंग दिस. थैंक यू. यू वेलकम मिस्टर. यू वेलकम.